तो हर सिंबल बनाएंगे कैसे? पहले आपको क्रॉस बनाना है, जीसस क्राइस्ट वाला। पर देखिए, ऐसे क्रॉस नहीं बनाना है, राइट टू लेफ्ट क्रॉस बना लिया। फिर पतंग बनानी है आपको, उल्टी पतंग। देखिए कैसे, यहां तक लाना है। कहां तक लेके आया देखिए मैं, फिर यहां, फिर यहां तक लाना है, फिर यहां। अब गोल बनाने, सब गोल कैसे, एंटी क्लॉकवाइज है, लेफ्ट टू राइट, गोल गोल गोल, अर्थ। ठीक है, तो हर सिंबल बनाना कैसे, स्टेप बाय स्टेप। नंबर वन ये हो गया, वन। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मैंने यहां पर एरो इसलिए किया है, लेफ्ट टू राइट बताने के लिए। फिर अप डाउन दो, ठीक है, एरो में मिटा देता हूं अभी यहां पर। ठीक है, फिर यहां से मैं यहां ले गया। ठीक है, फिर ये कंटिन्यू यहां मैंने जोड़ दिया। सेम इंप्रेशन यहां बनाइए। ठीक है, यहां आ गया। अब तीन सर्कल आपको बनाने हैं एंटी क्लॉकवाइज, वन टू थ्री, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, हार्ट हार्ट हार्ट। एंटी क्लॉकवाइज लेना या सीधा? ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा तो यस ये हमको ऐसा लेना। यस, एंटी क्लॉकवाइज लेना। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, दोनों उंगलियों से अगर मुझे बनाना है तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होगा, हार्ट 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 हार्ट। अब हार्ट से हार्ट समझ लीजिए, ये हार्ट चक्र पे हील करने के लिए काम आता है। तो जैसे हम बाकी सिंबल के बारे में देख रहे थे, यहां पर आप एक पर्टिकुलर चक्र पे हील करोगे, दैट इज हार्ट चक्र। कौन से चक्र पे हील करेंगे आप? हार्ट चक्र पे हील करेंगे, बट प्लीज फ्रंट हार्ट चक्र पे कभी नहीं, हम बैक हार्ट चक्र पे हील करेंगे। फ्रंट हार्ट चक्र पे हील करेंगे तो दूर से करेंगे, कम से कम आधा फीट एक फीट दूर से, और अगर बैक हार्ट चक्र पे हील करना है तो करीब से करेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट हार्ट चक्र कि अगर बात करें तो हार्ट करीब है, तो अगर हमारे शरीर, हमारे पास से अगर एनर्जी ज्यादा फ्लो होती रहेगी तो पर्सन के हार्ट या हमारे हार्ट में हमें महसूस होगा कि एनर्जी की वजह से हम डिस्कम्फर्ट महसूस करेंगे। सो फ्रंट हार्ट चक्र को दूर से करेंगे, बैक हार्ट चक्र को करीब से करेंगे। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को असफलता महसूस हो रही, बार बार फेल हो रहा है, सेटबैक हो रहा है, कुछ भी काम करने जाता पीछे आता है, बोलते मेरा कोई काम नहीं होता है, मैं कोई जो कोई भी काम लेता हूँ हाथ में तो पूरा नहीं होता है, तो उसके हार्ट चक्र पे हमें क्या करना है, उसके हार्ट चक्र पे हमें हीलिंग करना है। ठीक है, एक्सेस इमोशन, आपका एक्सेस इमोशन है मतलब अति प्यार, अति सच्चाई ट्रूथ, अति आप ऑनेस्टी ईमानदारी, ये सब अति हो तो भी गड़बड़ है। तो अगर एक्सेस लव है, ट्रूथ है, ऑनेस्टी है, तो फिर आपको पर्सन को हार्ट चक्र पे हील करना पड़ेगा, स्पेशल डॉक्टर की तरह है। पुअर रिलेशनशिप, आपके सबके साथ रिलेशनशिप खराब है, फैमिली वालों के साथ रिलेशनशिप खराब है, सबसे झगड़ा करते हो, असामंजस्य है, सबसे बनती नहीं है, मन मुटाव होता है, जेलस है, गिल्टी, इमोशनली हर्ट, आपको किसी ने दिल तोड़ दिया है, आपका कुछ सुना दिया है, एडिक्शंस दारू वगैरह का और बैड हैबिट्स।